मुस्लिम देश में पहला हिंदू मंदिर, पीएम मोदी ने रखी मंदिर की आधारशिला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के ओपेरा हाउस में भारत वंशियों के कार्यक्रम में अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके मॉडल का लोकार्पण भी किया। इस मंदिर का निर्माण दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर व न्यू जर्सी में निर्माणाधीन मंदिर की तर्ज पर होगा। ये 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था इस मंदिर का निर्माण कराएगी। विश्व में इस संस्था के 1100 से ज्यादा मंदिर हैं। ये मंदिर परंपरागत शिलाओं से बना मध्य पूर्व का पहला मंदिर होगा। मंदिर के लिए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने अबू धाबी दुबई हाईवे के पास मुफ्त जमीन दी है। आपको बता दें कि अबू धाबी में एक भी मंदिर नहीं है। पीएम मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन कराया जाना भारत और दुबई के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। मंदिर का आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के विकास के लिए भारतीयों ने अहम योगदान दिया है, वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं मंदिर के निर्माण के लिए 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा भी किया गया। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि ही जाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया, मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीएम के भाषण के दौरान कई बार मोदी मोदी के नारे भी लगे और भारत माता की जय से पूरा ओपेरा हाउस गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने भाषण में पीएम मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल रहा है। इसके बाद पीएम मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शामिल हुए। कुल मिलाकर ये पीएम मोदी की विदेशों में बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकारिता का ही एक प्रतीक है कि हर देश भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और उन्हीं अच्छे और प्रगाढ़ रिश्तों की वानगी है ये हिंदू मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।